हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आटा बिस्किट्स, जिसे घर पे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे कढ़ाई, माइक्रोवेव, ओवन, ओटीजी और इडली स्टैंड, कुकर, किसी में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हो। ये आधे घंटे में डब्बा भर करके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे बहुत ही सिंपल और सरल तरीका, किस प्रकार से आप ओटीजी या फिर माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं, किस प्रकार आप कुकर या कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, और इडली स्टैंड में बेक करने का सिंपल सा तरीका। तो आप चाहे जिसमें भी बेक कर सकते हैं नमक फैला करके, और आप किचन के तवे पे भी इसको बेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले बनाना आपको बना के दिखाते हैं, उसके बाद में आपको इसका डो बना करके भी दिखाऊंगी कि किन किन इंग्रेडिएंट से हमने इस डो को तैयार किया। तो आप चाहे तो सेप गोल वाला या फिर हार्ड सेप, जो भी आपको सेप पसंद हो, कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास या कटोरी से इस प्रकार के गोल गोल बिस्किट्स भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको डिजाइंस पसंद हो वो डिजाइंस के बनाएं, या फिर आप चाहे कटोरी या गिलास से इस तरह के गोल गोल बना लें। तो चलिए ये डो हमारा बना हुआ है, सबसे पहले इसके हम बिस्किट्स बना लेते हैं और इन्हें बेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे हम डो प्रिपेयर करना, क्योंकि ये डो जो हमने बनाया है गेहूं के आटे और नारियल के बूरे से बनाया है। तो इसको भी आप देखिएगा, वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो कढ़ाई में नमक फैला दें, एक स्टैंड रख दें और ढक्कन लगा करके उसे प्री हीट होने दें। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया उसमें मैंने थोड़ी टूटी फ्रूटी मिला दी है। तो आप चाहे तो टूटी फ्रूटी मिलाए, बिना टूटी फ्रूटी के भी आप जो है वो बिस्किट्स बेक कर सकते हैं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, ये मैंने ऑप्शनल है, ये मैंने थोड़े से मिलाए हैं। इसके बाद मैं लूंगी एक प्लेट और प्लेट को ऐसे उल्टा रख लूंगी और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर करके फैलाएंगे और कटर से इसको कट करके, और फिर हम बिस्किट्स का जो शेप है वो बना लेंगे। तो जितने आपके पतले बिस्किट्स होंगे उतने फटाफट में बेक होकर के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैं हार्ड शेप वाले बिस्किट्स बना रही हूँ। इस तरह से आपको बिस्किट्स बनाना है। तो इस तरह से हम अपने सारे बिस्किट्स जो हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं ट्रे के अंदर। देखिए करना क्या है, बैटर को इस तरह हाथों से दबाना है, बराबर बराबर साइज में रखें सारे बिस्किट्स को, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे कुकी कटर से इसको कट करना है, फिर ऐसे करना है, साइड वाले बैटर को हटाना है। उसके बाद देखिए मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, फिर इस कुकीज को आपको ऐसे ले लेना है। ले लीजिए, इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज तैयार करके ट्रे में लगा लेते हैं। लीजिए गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ट्रे बिल्कुल से रेडी है। आप कहते हैं इसके अंदर थोड़ा एडजस्ट करके एक से दो कुकीज और लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा अभी स्पेस है, तो हम एक से दो कुकीज और रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा स्पेस करके इस तरह से सारी कुकीज सेट कर दिए हैं। ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए रख दिया, ये प्री हीट हो रहा अभी, तो आप देख सकते हैं ये प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसको खोलेंगे और अपनी ट्रे को इसके अंदर रख देंगे। ये लीजिए मैंने ट्रे को रख दिया है, और इसके बाद हम इसको बंद करेंगे और 10 मिनट का देखेंगे, 10 मिनट का टाइमर लगा देंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो ये स्टार्ट हो गया है बेक होना। तो गाइस, पूरे 10 मिनट लगे बेक होने के बाद, देखिए हमारे बिस्किट्स एकदम से बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर के, एकदम से क्रंची बिस्किट्स तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर हम इन्हें ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपनी दूसरी ट्रे रख देते हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट्स बेक करेंगे, पहले इसको प्री हीट करेंगे और फिर अपनी ट्रे को 10 मिनट के लिए लगा देंगे बेक होने के लिए। तो देखिए 13 मिनट के बाद में ये ठंडे हो चुके हैं, और अब मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो बैटर है आटे का वो कैसे बनाते हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर नीचे से बहुत ही बढ़िया बेक हुए हैं। इसको आप कुकर, कढ़ाई, गैस पे या फिर इडली स्टैंड में भी बना सकते हो। तो चलिए आप देख लीजिए, ये देखिए एकदम से क्रंची, खस्ता और सॉफ्ट बने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको इसका डो प्रिपेयर करने का तरीका भी बता देती हूँ।
तो चलिए अब हम इसका डो बनाना शुरू करते हैं। आटे के और टूटी फ्रूटी वाले बिस्किट कैसे बनाएं? आप इंग्रेडिएंट्स भी देख लीजिए। घी लिया है मैंने 150 ग्राम, शुगर लिया है मैंने 150 ग्राम, आटा लेंगे हम 200 ग्राम, और कोकोनट का बूरा लेंगे हम 100 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर लेंगे हम 20 ग्राम, और ये एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। यहाँ पे जो आप आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 200 ग्राम लिया मैंने। अगर मुझे डो गीला लगेगा तो मैं, क्योंकि 150 ग्राम मैंने घी लिया है, तो यहाँ पे 300 ग्राम तक आटा जो है अच्छे से हो जाता है। तो मैं आटा इसमें और भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे डो गीला लगे तो। थोड़ा सा दूध का भी हम यूज करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप, एक बड़ा चम्मच हम दूध का यूज करेंगे। तो इस ये क्वांटिटी होती है बिस्किट्स बनाने के लिए। एक बाउल लूंगी और बाउल के अंदर हम डाल देंगे ये वाला घी, ठीक है। और ये ले रही हूं मैं विस्कर, इलेक्ट्रिक वाला है, पर आज मुझे यही सही लगा तो मैंने सोचा कि आज मैं इससे करके देखती हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक बीट करते हैं हम ना, उस मशीन वाला, ये देखिए अभी, तो आज मैं इसी का यूज कर रही हूँ। और इसी से हम लगभग 2 मिनट के लिए अच्छे से घी को फ्लफी होने के लिए बीट करेंगे। तो इस तरह से आपको घी को नॉर्मल कंसिस्टेंसी में ले लेना है, उसके बाद में अच्छे से इसको ऐसे चलाना है। नीचे बर्फ का कंटेनर है तो ये फटाफट में फ्लफी हो जाएगा। तो गाइज, आप इलेक्ट्रिक बीटर की जगह कोई स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इनसे 4 मिनट तक आपको अच्छे से बीट करना है, उसके बाद में आपको इसके अंदर शुगर पाउडर मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो घी का कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो मैं इसके अंदर शुगर पाउडर मिक्स कर लेती हूँ। पहले हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और फिर वैसे ही बीट करेंगे जैसे हमने घी को बीट किया था। तो आज ये मैंने जो हमारी इलेक्ट्रिक बीटर होता ना, उसकी जो ये डंडी ली है और इसी से मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। हमारी जो व्हिप्ड मशीन होती है ना, क्रीम को हम व्हिप करते हैं, उसके वाली ये मैंने लिया है, और इससे मैंने इसको पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब ये काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है, यानी अच्छे से फ्लफी हो गया है। तो मैंने जो आइस कंटेनर वो हटा दिया है और अब इसके अंदर हम अपना मिश्रण डाल लेते हैं। मिश्रण के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे 200 से 250 ग्राम गेहूँ का आटा, क्योंकि हमने घी लिया था 150 ग्राम, तो उसी हिसाब से हमें 250 से 300 ग्राम तक जो आटा है वो यूज कर लेना है। उसके बाद एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके आटे को मैंने छान करके लिया है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर मिला दिया, लगभग 20 ग्राम कस्टर्ड पाउडर, और फिर मैंने लिया कोकोनट का बूरा 50 ml, 50 ग्राम कोकोनट का बूरा डाल दिया। तो सभी मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कंटेनर वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो मैंने थोड़ा एक बड़ा चम्मच दूध डाल दिया और अब पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो जो नीचे का मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ इसे बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ अच्छे से मिक्स करके, फिर हम वापस सारे बैटर को इसी के अंदर डाल करके छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो पहले आपका जो ये मिश्रण है वो अच्छे से मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने चेंज कर लिया बर्तन, इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हल्के हाथों से मिक्स करना है सिर्फ। और लगे आपको कि बैटर थोड़ा अभी सूखा है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। अब मुझे लग रहा है कि बैटर जो चीनी ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है और बैटर अच्छे से मिक्स हो भी गया है, तो अब मैं सारा मिश्रण इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। वापस इसको इसी तरह से जमा करके छोड़ देती हूँ, 10 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, उसके बाद आप इसी के बिस्किट्स बना सकते हैं। ज़रूरी होता है कि इसके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।